मौला अली घर में दाखिल होते हैं, आकाजादी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, देखते हैं बीबी बीमार हैं और बिस्तर पर लेटी हुई हैं। मौला फरमाते कि सैयदा जिंदगी गुजर गई, आपने अली से कुछ मांगा नहीं। शोहर का भी दिल होता है कि बीवी कभी कोई ख्वाहिश करे और शोहर उसके लिए फराहम करे। बीबी फरमाते या अली, इसकी वजह है कि जब मेरी शादी हुई थी तो बाबा ने कहा था कि जहरा, बाप की सिफारिश और वसीयत को याद रखना, अली से कभी कुछ ऐसा मत मांगना कि उस शोहर के पास देने के लिए ना हो और बीवी के सामने शर्मिंदा हो जाए। कह अली, इसीलिए मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, हो सकता है मांगूं और आप मुझे न दे सकें। फरमा जहरा, फिर भी मेरा दिल है कि आप मुझसे कुछ मांगे मुझे खुशी देने के लिए। तो बीवी ने कहा, आज अगर आप इसरार कर ही रहे हैं तो बीमार हूं, मेरा दिल करता है कि अनार खाऊं। मौला घर से बाहर निकलते हैं खुशी के आलम में कि सैयदा ने आज पहली मर्तबा कोई ख्वाहिश की है। बाजार में जाते का कंबर देख कर आओ, अनार कहां मिलते हैं, कंबर देख कर आए का मौला, अनार का मौसम नहीं है। बाजार में गए, अनार खत्म का पूछो, शायद किसी के पास अनार हो। जब पूछताछ की तो पता चला एक यहूदी है जिसके किसी ने कहा ये स्टोर करके रखता है। मौला खुद उसके दर पे जाते हैं, दस्तक देते हैं। यहूदी बाहर आता है कहा, आज उसने मुझसे सवाल किया जिसने ज़िंदगी में कभी कुछ मांगा नहीं, मैंने सुना है तेरे पास अनार है, अगर हो सके मेरे मरीज के लिए अनार मुझे दे दो। यहूदी ने कहा, ये मैंने अपनी बीवी के लिए रखे हैं। इमाम ने कहा, जितनी कीमत कहोगे अदा कर दूंगा, लेकिन आज अली को दे दो। उसने कहा, मौला मैं आपको जवाब दे नहीं सकता। फौरन गया, वो अनार लाया और मौला अली की खिदमत में पेश किया। अनार 2 दिरहम का था, अली ने उसके हाथ पे 4 दिरहम रखे। लेकिन यहूदी था पर मुनसिफ था, इंसाफ करने वाला था। उसने कहा, या अली कीमत 2 दिरहम है तो 2 दिरहम लूंगा। यानी इसके दिल था तो यहूदी पर दिल में फिक्र इलाही बस रही थी। आज अगर किसी चीज की किल्लत हो जाए तो हम कितनी कीमत को बढ़ा देते हैं। कलमा पढ़ रहे हैं, अली अली कर रहे हैं, लेकिन फिक्र शैतानी दिल में पनप रही है। इसने कहा, नहीं अली, 2 दिरहम है तो 2 लूंगा, क्या हुआ किसी के पास नहीं है, मैं इंसाफ करने वाला हूं। इमाम ने 2 दिरहम और इसके हाथ पर रखे, कहा ये 2 दिरहम अनार के हैं और ये 2 दिरहम सैयदा की तरफ से तुम्हारे हाथ पे रख रहा हूं। मौला अनार लेकर वापस आते हैं। अब देखिए, खुदा देखना चाहता है इसके दिल में किस चीज ने घर बना दिया है, जो एक मरतबा खैरात देता है दूसरी मरतबा देने पर सोचता नहीं है, जो एक मरतबा नमाज पढ़ लेता है दूसरी मरतबा पढ़ने पे सोचता नहीं है, जो एक मरतबा नेकी का काम करता है अब जब नेकी उसके दिल में घर बना लेती है दोबारा उस नेकी करने में वो सोचता नहीं है। मौला रास्ते से गुजरते हैं, क्या देखते हैं, किसी खराबे से किसी फकीर के रोने की आवाजें आ रही हैं। कई दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है, हे कोई जो मुझे कुछ खिला दे। हो सकता था अली आवाज को सुनते और आगे न बढ़ते, क्योंकि अली के दिल में खैरात खुदा ने घर बना लिया था, अली के दिल में इताअत खुदा ने घर बना लिया था। मौला फौरन उस खराबे में जाते हैं और फकीर आंखों से नाबीना है, देख नहीं रहा। इमाम फरमाते, बताओ तेरे लिए क्या लाऊं, खाना लाऊं, खजूरें लाऊं और रोटी लाऊं, क्या दिल है तेरा आज खाने का। अजीब इम्तहान है अली है, फकीर देख नहीं रहा, आंखों से नाबीना है, कहता या अली, दिल कर रहा है कि अनार खाऊं। इम्तहान देखिए, खुदा कैसे बंदों से इम्तहान लेता है, वो चेक करना चाहता है इसके दिल में मोहब्बत किसकी ज्यादा है। बेअमवालिकुम वानफुसिकुम, आए मोमिन में तुम्हारा इम्तहान लेता हूं, तुम्हारी जान के जरिए से, तुम्हारे माल के जरिए से, तुम्हारी औलाद के जरिए से, तुम्हारे अनफुस के जरिए से। अब खुदा देखना चाहता था अली के दिल में किसकी ज्यादा मोहब्बत है, सैयदा की मोहब्बत ज्यादा है या नूर इलाही की मोहब्बत ज्यादा है, अल्लाह की। क्योंकि मासूम का फरमान है, ये जो फकीर तुमसे कुछ मांगने आता है, आवाज आती है, फकीर नहीं है, ये अल्लाह का हाथ है जो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। हे कोई जो मुझसे तजारत करे, हे कोई जो मेरी राह में कुछ दे, हे कोई जो अपने रब की मदद करे। तो एक मरतबा मौला ने कहा, हाँ अनार तो है, लेकिन देखिए अब नाबीना था ना, अली कह सकते थे अनार का मौसम नहीं है, देख तो नहीं रहा था ना, आपके हाथ में कोई चीज है और नाबीना बोले, देख तो नहीं रहा। मौला कह सकते थे अनार का मौसम नहीं है, कोई और चीज तुम्हारे लिए लाऊं, लेकिन ये अली है जिसने जिंदगी में कभी झूठ बोला नहीं है। ये नाम का सिद्दीक नहीं है, ये काम का सिद्दीक है, ये हकीकी सिद्दीक है। इमाम ने कहा, अनार तो है।
है, लेकिन एक मसाला है, मेरा भी एक मरीज है जिसने अनार की ख्वाहिश की है, तूने भी अनार की ख्वाहिश की है, तो एक काम करते हैं, अनार के दो हिस्से करते हैं, आधा तुझे देता हूँ, आधा अपने मरीज के लिए ले जाता हूँ। इसने कहा ठीक है। इमाम ने अनार को खोला, अपने हाथों से दाना दाना किया और अपने ही हाथों से फकीर के मुंह में दाना दाना दिया, फकीर ने खाया। इमाम ने कहा अब रुखसत है, मैं जा सकता हूँ। कहा ये कर्ज करना चाहता हूँ। कहा कौन सा? कहा हो सकता है वो दूसरा आधा भी मुझे दे दीजिए। देखिए इम्तहान खुदा कैसे लेता है। वो सैयदा जिसने जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, पहली मर्तबा कोई ख्वाहिश किया है और बड़ी मुश्किल से अली को एक अनार मिला, मोजजा करते तो कई अनार आ जाते हैं, लेकिन वो भी हमारी तरह आम जिंदगी गुजारते थे, एक अनार मिला है। अब खुदा इम्तिहान दे रहा है कि अली फकीर को देते हैं, एक तरफ बीवी की मोहब्बत है, एक तरफ खुदा की मोहब्बत है, एक तरफ पैगाम इलाही है, यही चीज तो करबला में मौजूद थी ना कि इमाम हुसैन करते क्या है, एक तरफ दीन इलाही है, एक तरफ औलाद की मोहब्बत है। क्या बच्चे की मोहब्बत में आ जाते हैं या खुदा की मोहब्बत में अपनी औलाद को कुर्बान करते हैं? इसीलिए करबला में कोई माँ झिझकती हुई नजर नहीं आती, वो रात भर अपने बच्चों को तैयार करती हुई नजर आती हैं। हर माँ इसलिए रो रही थी कि हो सकता है कल हुसैन मेरे बच्चे को न भेजे, कासिम इसलिए रो रहे हैं कि चाचा मुझे इजाजत न दे, हुसैन अपने अकबर को अपने हाथों से सजा कर धजा कर घोड़े पर बिठाते हैं। यही हकीकी फिक्र हुसैनी है कि जब दीन खुदा को जरूरत पड़े बंदे खुदा मैदान इलाही में बाहर निकल आए। इमाम ने कहा ठीक है, अगर दूसरा आधा भी मांगा है तो अली तुझे खिला देते हैं। मौला ने वो आधा भी खिला दिया। मैं तवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बो, जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है फिर उसका हिसाब, फिर उसका काम किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। यजअल्लहु मखरजन, फिर खुदा एक ऐसे जरिए से उसका रास्ता बना देता है जहां से उसने सोचा भी नहीं था, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अल्लाह कहां कहां से इंसान की मदद करता है। अब पूरे रास्ते अली ये सोच रहे हैं, सैयदा पूछेंगी अली अनार लाए कि नहीं लाए, और क्या कहूंगा, अनार मिला तो था लेकिन मैंने किसे दे दिया? फकीर को खिला दिया। अब देखिए आम औरत होती तो शोहर से लड़ती, कहती फकीर से मुझसे ज्यादा प्यार था, बीवी बीमार पड़ी हुई है और तुम्हें रास्ते वालों की फिक्र है, तुम्हें बाहर वालों की फिक्र है। लेकिन अली को भी पता था ये खातून कोई आम खातून नहीं है, ये सैयदतुन्निसा उल आलमीन है। मौला अली इसी सोच में थे, अल्लाह की राह में अली एक तरफ बीवी की डिमांड है, दूसरी तरफ वो फकीर जो अल्लाह ने भेजा था। मौला यही सोच रहे हैं कि सैयदा पूछेंगी अली अनार लाए कि नहीं लाए, जवाब क्या दूंगा। मौला घर में दाखिल हुए, जब घर से गए थे तो सैयदा शदीद बीमार थीं और बिस्तर पर सो रही थीं, इतनी बीमार थीं कि बीबी उठ भी नहीं सकती थी। अब मौला फरमाते में जैसे घर में दाखिल हुआ क्या देखा, घर के सहन में सैयदा काम में मशगूल हैं, शफा मिल चुकी है। परेशानी के आलम में पूछा सैयदा आप ठीक हो गई? कहाँ ठीक हो गई। मौला ने सहन के दूसरे दाएं तरफ देखा, वहां पर अनार की एक पेटी पड़ी थी। मौला परेशान, अरे कंबर शहर में घूम घूम के थक गया, कहीं पर अनार नहीं था और एक अनार मिला था, यह अनार की पेटी का। सैयदा ठीक है ठीक हो गई, सैयदा अनार कहाँ से आए? कहिया अली आप नहीं तो भेजे हैं। तो मैंने कब भेजे? कहिया अली दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी थी, कहा अली ने फातिमा के लिए अनार भेजे हैं। मौला समझ गया ये लाने वाला कौन है, ये वही है जो हसन हुसैन के झूलों को झुलाता था, आज अनार देकर गया है। यहां पे दो नतीजे निकलते हैं जो आम तरीन नतीजे आए। पहला नतीजा ये, जब अल्लाह की राह में देते हो तो खुदा 10 गुना करके वापस देता है। अब सवाल ये, मोमिन यही सोचता है 10 रुपए दूंगा तो 1000 रुपए मिलेगा, हजार दूंगा 10,000 मिलेगा। जब जान अल्लाह की राह में देते हो ना, सबसे बड़ी कुर्बानी होती है जान की कुर्बानी। माल करोगे यहां मिलेगा ना, लेकिन जान की कुर्बानी कहां मिलती है? उसका नतीजा आखिरत में मिलता है। और दुनिया में जान की कुर्बानी से क्या मिलता है? इज्जत मिलती है। मन हया से जमिया की आवाज मिलती है। यह सबसे बड़ी कुर्बानी थी। तो पहला नतीजा यह है, जब अल्लाह की राह में देते हो तो खुदा 10 गुना करके वापस देता है। लेकिन इससे भी अहम नतीजा जो निकलता है वो ये है, अगर वो अनार जो मौला ने यहूदी से लिया था वो अनार घर लाते सैयदा खाती, क्या पता उससे शफा मिलती या ना मिलती। उस अनार में शफा नहीं थी जो मौला ने यहूदी से लिया था।
लेकिन जब वो अनार अल्लाह की राह में दिया, उसके बदले में जो 10 अनार आए, उस अनार से जब सैयदा ने खाया तो सैयदा को शफा मिल गई। तो बहुत अहम नतीजा है। यानी मेरे हाथ में 100 रुपया है, फकीर ने खैरात के लिए कहा,